आजकल इतनी गर्मी हो रही है तो हम सबका खाने के बाद कुछ स्वीट खाने का तो मन करता ही है, और अगर स्वीट में ठंडी ठंडी कुल्फी मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाता है। सो आज मैं आप लोगों के साथ पान कुल्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पान कुल्फी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। इसे हम घर में ही आसानी से बहुत ही कम चीजों से बनाएंगे। इसमें हम किसी भी टाइप की क्रीम, कॉर्नफ्लावर या फिर कलर का यूज नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुल्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 लीटर मिल्क लेंगे एंड मिल्क हम फुल क्रीम ही यूज करेंगे। 1 कप शुगर, मैंने 1 कप से थोड़ा कम शुगर लिया है, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 8 to 10 पान लीव्स एंड 2 टेबल स्पून गुलकंद। गुलकंद हमें किसी भी सुपरमार्केट या फिर पान शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मिल्क को फुल फ्लेम में बॉइल करेंगे, और जब तक इसमें फर्स्ट बॉइल नहीं आता है हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। मैं मिल्क को बॉईल करने के लिए आयरन की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। आयरन की कढ़ाई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें कभी कभी मेटल का टेस्ट आ जाता है। सो मैं प्रिफर करूंगी कि आप आयरन की कढ़ाई का ही यूज करें, ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हम इसे फर्स्ट बॉइल तक कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे ताकि दूध नीचे से जल ना जाए। इस तरह से हम इसे स्क्रैच करते हुए पकाएंगे। ये देखिए, अब इसमें फर्स्ट बॉइल आ गया है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे। अब हमें इसे लगातार चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि अपनी क्वांटिटी से आधा नहीं हो जाता। जैसे कि हमने 1 लीटर मिल्क लिया था तो तब तक कुक करेंगे तब तक ये 1/2 लीटर नहीं हो जाता। इसमें हमें 20 से 25 मिनट का टाइम आराम से लग जाता है। इसे हमें मीडियम गैस पर थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से स्क्रैच करते हुए चलाते हुए कुक करना है। और हाँ गाइस, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत ज्यादा भी थिक नहीं कर देना है। अभी थिक कर देंगे तो भी हमारी कुल्फी का जो टेक्सचर है वो अच्छे से नहीं आता है, वो बहुत अच्छे से सेट नहीं होती है। अब मिल्क को कुक होते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये अपनी क्वांटिटी में भी 1/2 हो गया है। सो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। और शुगर ऐड करके हमें बस इसे तभी तक कुक करना है जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अब शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, सो हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम एक मिक्सी के जार में पान की लीव्स को ऐसे कट करके डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें गुलकंद को ऐड कर देंगे। जो हमने अभी रबड़ी बनाई थी उसको भी इसमें मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को एक स्ट्रेनर के ऊपर ऐसे स्ट्रेन करके रबड़ी में डाल देंगे। अब इसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया है, तो अब हम कुल्फी को सेट करने की तैयारी कर लेते हैं। इसे सेट करने के लिए आप कुल्फी मोल्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए सबके घरों में इजीली अवेलेबल होने वाले डिस्पोजेबल ग्लास की हेल्प से इसे सेट करने का एक आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम सारे डिस्पोजेबल ग्लास को फिल कर लेंगे। अब हमें इसमें स्टिक लगाना होता है। अब ऐसे तो हम इसे स्टिक को स्टेम लगा नहीं सकते, ये बैलेंस नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ऐसे एक सिल्वर फॉइल लगाएंगे और
और फिर हम इसमें नाइफ की हेल्प से ऐसे कट लगाएंगे और तब हम इसमें स्टिक्स ऐड करेंगे तो स्टिक का बैलेंस स्टिक बैलेंस में रहेगी और इस तरह से हम सारे ग्लासेस को कवर कर देंगे। अब हम इसे 7 to 8 hours के लिए फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए छोड़ देंगे। अब कुल्फी को सेट होते हुए 7 to 8 hours हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ऐसे अपने हाथ से रोल करके, ऐसे ये इजीली बाहर आ जाती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से जम करके हमारी कुल्फी जो है रेडी हुई है और क्या परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका। ऐसे ही करके हम सारी कुल्फी को निकाल के इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पान की पत्तियों के साथ हम इसे गार्निश करेंगे, इससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ऐसे आप अगर गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा फील होगा और सब आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पान कुल्फी बनकर एकदम रेडी हैं और ये देखने में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। आप इसी तरीके से इन्हें बना करके ऐसे गार्निश कीजिएगा तो ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मार्केट से भी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। तब तक के लिए घर का खाइए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।